हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ ग्राफिकल कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ग्राफ्स के एग्जांपल्स बताए थे, उसी से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल कंक्लूजन्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपने एक शेप बनी थी ग्राफ की। देखो मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके पास में इस तरीके से एक ग्राफ बना था, ये लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक लाइन बनी थी ऐसे स्ट्रेट। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस किस क्वांटिटी के बीच में बना सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये है आपकी टाइम एक्सिस, ठीक, और ये है आपकी पोजिशन, पोजिशन एंड डिस्टेंस, पोजिशन और डिस्टेंस एक्सिस, ये ओरिजिन है, और इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच में, तो ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है। कैसी है? पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि बॉडी जो है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट लिख देता हूं मैं, रिजल्ट निकला इस ग्राफ का, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, नंबर वन, एक नंबर ग्राफ, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, सेम का सेम ग्राफ, ये लीजिए इस तरीके से बनाया हमने, ये ऐसे, और वो की वो सेम लाइन ऐसे खींच दी मैंने। ये आपकी टाइम एक्सिस, ठीक, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ये। अब इन दोनों के बीच में बनने वाला ग्राफ सिमिलर है ऐसा का ऐसा, जिसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है, तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, देखते जाइए आप, इसका रिजल्ट निकलेगा बॉडी एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट में है। इज दैट क्लियर? दो नंबर ग्राफ। अब नंबर तीन, थर्ड नंबर की बात करेंगे, एक और ग्राफ बनाया मैंने सिमिलर एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहा हूं, और फिजिकल क्वांटिटी भी कौन सी, अलोंग दी वाई एक्सिस पे जो ले रहा हूं उसको, टाइम एक्सिस सब में सेम रहेगी, ये भी टाइम एक्सिस है यहां भी, ठीक है, सिर्फ इस क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं और आपको रिजल्ट एक अलग मिल रहा है यहां पे, देखिए, ठीक है। अब की बार मैंने, ये तो टाइम एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन, और इसको बना दिया स्पीड, ये स्पीड के लिए है, और वो की वो स्ट्रेट लाइन आपको मिली पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट, इस ग्राफ का रिजल्ट, रिजल्ट मिला आपको स्पीड जो है बॉडी की, स्पीड ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये बन गया। नंबर फोर देखिए, नंबर फोर, फोर नंबर बनाया मैंने यहां पे, इसमें क्या करना है आपको, देखिए एक दो, हाँ नंबर फोर, इसके अंदर ये की ये सिचुएशन हमने बनाई, सेम की सेम सिचुएशन, ये लीजिए, ठीक है, ये तो आपकी टाइम एक्सिस रहेगी, ठीक, ये आपका ओरिजिन, और इस जगह अब की बार स्पीड की जगह मैंने बना दिया वेलोसिटी, क्या ले लिया, वेलोसिटी, और वो की वो स्ट्रेट लाइन ले ली पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, तो इस ग्राफ का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सॉरी, रिजल्ट, रिजल्ट आपको इस ग्राफ का क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट। ये हमने एक ही शेप के ग्राफ बनाए हैं, देखिए आपके पास में टोटल चार ग्राफ बने हुए हैं, नजर आ रहे होंगे आपको, सारे के सारे ग्राफ के अंदर, सारे के सारे ग्राफ के अंदर अलोंग दी एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है, टाइम एक्सिस को मैंने किसी भी ग्राफ में चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो अलोंग दी वाई एक्सिस जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है उसको मैंने चेंज किया है, और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पोजिशन और डिस्टेंस ले ली,
ये वाला ग्राफ बना, टाइम वोक का वो डिस्प्लेसमेंट ले लिया, टाइम जोक का दो ये रिजल्ट आया, स्पीड टाइम के बीच में ये रिजल्ट आया, वेलोसिटी टाइम के बीच में ये रिजल्ट आया। अगर इससे आप अपना कंक्लूजन निकाल के माइंड को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर स्ट्रेट लाइन आती है इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में हमें क्या सोचना है, ये चीज यहां पे निकल के आई। ठीक है, एक तो पोर्शन था ये। अब मैं फिर से चार ग्राफ और बनाऊंगा, देखो अभी बनाता हूं, इन्हीं को ले लेता हूं। ये लीजिए, यहां से मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया है, एक मिनट, ये यहां से इसको हटाया, ठीक है, और इस लाइन को भी यहां से हटाया, ये लीजिए, इस वेलोसिटी वाली लाइन को भी यहां से हटा दिया है ऐसे, ठीक, ये लीजिए, इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ है। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखो अब चारों के चारों ग्राफ में मैंने टाइम एक्सिस को वही पहले की तरह एक सिमिलर बना रखा है, सिर्फ जो ऊपर की क्वांटिटी है उन्हीं को चेंज कर रहा हूं मैं। जैसे यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, पहले भी लिखा हुआ था डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वहां पे स्पीड लिखा हुआ है, और वहां पे यहां पे वेलोसिटी लिख देंगे, यहां पे वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने इस तरीके से, ठीक है, अब दूसरे वाले ग्राफ में भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहां से, ठीक है, अब तीसरे वाले ग्राफ में भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहां से, देखते जाइए आप, ठीक है, और फोर्थ ग्राफ में भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहां से ऐसे, ठीक है। अब इनका रिजल्ट निकालना है आपको, रिजल्ट क्या निकलेगा देखिए आप, सबसे पहले वाले ग्राफ का रिजल्ट, इसके अंदर जो रिजल्ट निकला है आपका वो क्या है, इसके अंदर जो रिजल्ट निकला है वो ध्यान से देखिए आप। ऐसा ग्राफ का मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था लास्ट क्लास में, तो इस ग्राफ का रिजल्ट मतलब पोजिशन, दैट मीन्स डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजन, ओरिजन से पास हो रही है, तो उसका रिजल्ट हम लोग क्या निकालते थे, याद कीजिए जरा थोड़ा सा, इस केस में स्पीड जो है बॉडी की वो कैसी होगी, कॉन्स्टेंट, ये इसका रिजल्ट है, कॉन्स्टेंट स्पीड। ये वाला ग्राफ किसको डिनोट करता है, कॉन्स्टेंट स्पीड को डिनोट करता है, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ये किसको डिनोट करेगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को डिनोट करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तीसरा जो ग्राफ है वो किसको डिनोट करेगा, यहां पे स्पीड और टाइम के बीच में है, स्पीड और टाइम के बीच में है, तो स्पीड और टाइम के बीच में है तो एक्सेलरेशन बनेगा, तो कैसा बनेगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ये बनेगा, ठीक है। फोर्थ जो ग्राफ है, फोर्थ उसके अंदर भी देखिए वेलोसिटी और टाइम है, और उसका भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन दोनों का सिमिलर है एक जैसा, तो इसमें भी क्या बनेगा आपका, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ग्राफ ये डिनोट कर रहे हैं, इज दैट क्लियर। देखिए यहां से पोजिशन टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसको डिनोट करता है, स्पीड को, स्पीड को डिनोट करता है, तो ये स्पीड कैसी होगी, इसमें कांस्टेंट होगी। यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, तो इसमें कैसी वेलोसिटी बन रही है आपकी, कांस्टेंट। अब यहां से देखिए स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को, कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट। यहां से देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को, कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बार ध्यान से नजर डाल दीजिए इसके ऊपर, हो गया, ठीक है। अब हम एक थर्ड फॉर्मेट और लेके आएंगे, वो थर्ड फॉर्मेट क्या है वो देखिए आप, बताता हूं मैं आपको,
इन्हीं ग्राफ से एक थर्ड फॉर्मेट और बनाते हैं हम लोग, ये इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको इरेज कर दिया, और ये यहाँ से इसको भी इरेज कर दिया हमने, ठीक है, और इसको भी इरेज कर दिया हमने, ठीक है, ये वाला भी इरेज इरेज कर दिया है। ये लीजिए, सेम की सेम क्वांटिटी रख ली हमने। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमने इस तरीके से बना दिया, इसके अंदर ये लीजिए ऐसा, ठीक। दूसरे वाले केस में हमने ग्राफ को ऐसे बना दिया, ठीक। तीसरे वाले केस में हमने ग्राफ को ऐसे बना दिया, ठीक। और फोर्थ केस में भी हमने ग्राफ को इसी तरीके से बना दिया, ये लीजिए। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? देखिए अब इनका रिजल्ट निकालते हैं। ऐसे वाले ग्राफ की कैलकुलेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ऐसे वाले ग्राफ की, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए इसका रिजल्ट निकलेगा, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है वो सिमिलर चेंज नहीं हो रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्पीड कैसी होगी? पहले कांस्टेंट थी, अब कैसी होगी? वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है ये, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ बन गया, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए वेरिएबल स्पीड। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, कैसा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। इसके अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम जैसे जैसे स्पेंड हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग में, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे की तरफ आ रही है ना लाइन, ऐसे आ रही है, देखिए आप ऐसे आ रही है, तो इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है, अलग अलग टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और अलग अलग डिक्रीज हो रही है, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, ये भी ग्राफ, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए आप, जीरो सेकंड पे वैल्यू इतनी थी, वन सेकंड पे इतनी हो गई, टू सेकंड पे इतनी हो गई, थ्री सेकंड पे इतनी हो गई, फोर सेकंड पे इतनी हो गई, फाइव सेकंड पे तो लगभग जीरो हो जाएगी, मतलब स्पीड जो है वो घट रही है टाइम के साथ, डिक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोचिए जरा, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एक्सेलरेशन में जा रही है, दैट मीन्स रिटार्डेशन, कॉन्स्टेंटली, ऐसे लाइन एकदम सीधी है ना, इसका मतलब कॉन्स्टेंट, लाइन सीधी होगी तो कोई भी चीज उसके साथ कॉन्स्टेंट होगी, ये देखिए सीधी लाइन है तो कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन है, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन बोलेंगे इसको, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब समझते हैं आप, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये भी सेम सिचुएशन है, ये स्पीड और टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम, इसमें भी वही लाइन बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सोचिए जरा, इसको भी सेम वोक का वो नाम देंगे आप, क्या नाम देंगे? कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्या नाम दे देंगे इसको भी? नीचे तक जा सकती है ये, ऐसे जा सकती है, ठीक है, तो इसको भी हमने बोला कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका, ये भी ग्राफ है, सॉरी, जी आर ए पी एच ग्राफ, ठीक है, ये है, ये कुछ ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन ग्राफ को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ग्राफ का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, इसलिए मैंने इतने सारे ग्राफ आपको बना के बताए। मतलब फर्स्ट केस में भी चार ग्राफ बनाए थे, सेकंड केस में भी चार ग्राफ बनाए थे, और ये थर्ड केस है इसमें भी हमने चार ग्राफ बनाए, टोटल 12 ग्राफ जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं, उनको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, हमने दो केस लिए हैं यहां पे, उन दोनों केसेस में देखिए आप,
यहाँ पे हमने दो अलग अलग केस लिए हैं, एक ये है हमारे पास, एक ये है। इन दोनों से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें जो तरीका अपन ने लिया था वो मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से लाइन खींची, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये हमने टाइम एक्सिस बनाई और ये हमने दूसरी वाली स्पीड दे रखी है इसमें स्पीड एक्सिस बनाई, ठीक है। अब ये आपका 0-0 पॉइंट है, यहाँ पे टाइम पे 4 सेकंड है, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 और ये सेकंड में है, ठीक है। और ये वाला मीटर पर सेकंड में है स्पीड आपका, ये है आपका यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, दे देखिए 0 सेकंड के ऊपर वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के ऊपर भी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 3 पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 4 पे भी 3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पॉइंट्स आ गए, इनको हमने लाइन से ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब देखो स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना वो ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अभी जस्ट मैंने बताया आपको पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे उस ग्राफ को, अभी कंक्लूजन निकाला था ना आपने, रिजल्ट निकला आपका, उस कंक्लूजन में स्पीड जो है इस केस में कैसी होगी, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, ये एग्जाम्पल आपका सोल्व हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल को लें अपन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें हमने ग्राफ बनाना है, इस तरीके से ले लिया हमने ग्राफ, ये आपकी स्पीड है यहाँ पे, ये आपकी टाइम एक्सिस है यहाँ पे, ये ओरिजिन है, टाइम वही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और फिर यहाँ से ले लिया आपने 2, 4, 6, 8, 0 तो है ही, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब देखिए 0-0 पे 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया, 1 पे 2 तो ये ऐसे मिला दिया हमने, ये एक पॉइंट मिल गया, 2 पे 4 तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको, इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन आई हमारे पास, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजन, जो कि ओरिजन से पास हो रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में भी स्पीड कैसी है, कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट स्पीड, दोनों केस में ही कॉन्स्टेंट स्पीड है। इससे जस्ट पहले भी मैंने ये दोनों ग्राफ बना के दिखाए हैं और उसमें भी मैंने आपको कंक्लूजन बताया कि इस दोनों केस में स्पीड कैसी है, कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट ही बनी हुई है, ठीक है। अब अगर एक और टेबल लें हम लोग, देखो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हाँ जी, ये जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देखिए आप, एक और टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे कुछ डेटाज लेके, इसमें इसको सोल्व करने के लिए हमने दोबारा से दो लाइनें ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये टाइम एक्सिस बनाई हमने और ये आपकी स्पीड की एक्सिस बनाई हमने, ठीक, और ये ओरिजिन है, इसके ऊपर हमने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सेकंड, ये सेकंड में है टाइम और ये मीटर पर सेकंड में है आपकी स्पीड, यहाँ से हमने लिया 2, 4, 6 एंड 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 0 सेकंड के ऊपर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो एक पॉइंट तो ये मिला हमें 0 के ऊपर, 1 के ऊपर 6 है तो ये यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से, ये एक पॉइंट मिल गया, 2 के ऊपर 4 है तो ये 4 ले लिया और ये यहाँ से हमने ग्राफ बनाया, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, 3 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 2 है, एक पॉइंट ये मिल गया और 4 के ऊपर 0, एक पॉइंट ये मिल गया, सारे पॉइंट्स को मिला दिया हमने, ऐसे बना ग्राफ। ग्राफ जो बना है उससे क्या पता चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इस तरीके से हमें ग्राफ मिल रहा है, तो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कैसा रिटार्डेशन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको तो कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन है, कैसा है,
कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो, अगर टेढ़ी लाइन होती है ऐसे तो वेरिएबल रिटार्डेशन होता, कांस्टेंट नहीं होता। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ग्राफिकल कंक्लूजन्स के बारे में बताया। ये सारे के सारे जो फॉर्मेट हैं ये आपकी नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे। नेक्स्ट क्लास दैट मीन्स 11th साइंस में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें भी आपके मैकेनिक्स का पार्ट है, फिजिक्स फर्स्ट, जिसके अंदर थर्ड और फोर्थ लेसन है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। उसके अंदर भी आप लोगों के ये पोर्शन है, उसका थोड़ा इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, लेकिन अगर ये अच्छे से समझ में आया तो वो वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए। थैंक यू।